यह तो सभी जानते हैं कि देश भर में हर दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि आखिर इसी दिन हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। बता दें कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी का औपचारिक भाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद से ही भाषा के विस्तार और लोगों को इसका महत्व समझाने के लिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत के लिए हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत और एकता का प्रतीक है। स्कूली दिनों से ही बच्चों को हिंदी दिवस का खास महत्व समझा दिया जाता है। हिंदी भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई है और इसकी लिपि देवनागरी है। यह भारत के ज़्यादातर राज्यों में बोली जाती है। इसका साहित्यिक इतिहास बहुत समृद्ध है। महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, रामधारी सिंह दिनकर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे महान कवियों ने हिंदी साहित्य को दुनिया भर में एक खास पहचान दिलवाई है। देश विदेश के विभिन्न समारोहों में भी हिंदी भाषा का विस्तार करने व भारत की सांस्कृतिक झलक दिखाने के लिए इन्हीं महान रचनाकारों का साहित्य इस्तेमाल किया जाता है। आज हिंदी दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी, तो मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने हिंदी दिवस के अवसर पर भोपाल में स्थित रविंद्र भवन में आयोजित राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान अलंकरण समारोह में हिस्सा लिया। तो वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह में शिरकत की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हिंदी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे। तेलुगु हो, मलयालम हो, तमिल हो या बंगला हो, ये सौभाग्य हमारा है। ऐसी कई सारी गलतियां हम करते हैं, लेकिन हिंदी के इस भाषा सम्मान समारोह में उन सारे महापुरुषों को भी याद करता हूं। माधव सप्रे जी से लगा करके रामधारी सिंह दिनकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, कौन कौन से नाम की बात करें, और इनके साथ साथ उन सारे महापुरुषों को भी याद करता हूं जो खुद गैर हिंदी थे, जिनने आजादी में अपना बड़ा योगदान दिया। महात्मा गांधी हिंदी के सबसे प्रबल पक्षधर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये जब अच्छा समय आता, अनुकूल समय आता, तो प्रतिकूलताओं में से ऐसी कई सारी अलग अलग प्रकार की धाराएं निकलती है, अलग अलग प्रकार के आसार, उम्मीद की किरणें निकलती है जो इस अंधकारमय आकाश को जगमग कर देता है। ये हमारा सौभाग्य। उस दौर में जब चारों तरफ अंग्रेजी अंग्रेज थे और अंग्रेजों से उस पूरे वातावरण को अंग्रेजियत ने जकड़ रखा था, ऐसे में ये अलग अलग प्रकार के सूर्य की प्रकाश की रश्मियां निकल करके हमको अपनी भाषा के लालित से, आत्मीयता से, आनंद से जोड़ रही थी। कितना कठिन दौर था जब अंग्रेजों के सामने उनकी अंग्रेजियत और अंग्रेज दोनों को नकारने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए थी। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी रह गई। ये बड़ा कठिन काल है, बड़ी कठिन दौर की बात है। आज के इस दौर में हमको केवल उनको स्मरण करें जिनने हमको आजादी की उस अलख को, उस आजादी के संघर्ष का सुख देने का प्रयास किया। तो आज के इस बदलते दौर में जब हम अंग्रेज तो चले गए लेकिन अंग्रेजियत हमको क्या क्या नुकसान कर रही है। भाइयों बहनों, ये आज का दिन, यह दिन बहुत ही विशेष है, क्योंकि यह सिर्फ एक भाषा का उत्सव नहीं है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर, हमारी पहचान और हमारे गौरव का उत्सव है। और हिंदी भाषा एक भाषा नहीं, यह हमारे राष्ट्र की आत्मा है। हिंदी ने हमारे समाज को जोड़ा है और हमारी सभ्यता को समृद्ध किया है और हमें विश्व स्थल, विश्व पटल पर एक विशेष स्थान दिलाया है। और ये केवल हमारे लिए केवल संवाद का माध्यम या साधन नहीं है, बल्कि ये हमारी अस्मिता, संस्कृति और भारतीयता का प्रतीक भी है। भाइयों बहनों, हिंदी ने हमारे विविधताओं से भरे राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने का काम किया है। जैसे विभिन्न मोतियों को एकता की माला में पिरोने का काम भी हिंदी भाषा ने किया है। सहजता, सरलता और सामर्थ्य से परिपूर्ण हिंदी में विभिन्न भारतीय भाषाओं के साथ
समन्वय की अद्भुत क्षमता है और सच में जहां पर अनजान जगह पर भी हम लोग होते हैं गुनगुनाते हैं, चाहे कोई दूसरा भाषी भी होगा तो हिंदी भाषा को आसानी से वह भी हमारे अभिव्यक्ति के माध्यम से आसानी से समझ लेता है। हिंदी की कीर्ति केवल केवल देश तक ही सीमित नहीं है, भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में यह संवाद का एक प्रमुख सेतु बन चुकी है। आज दुनिया के विभिन्न देशों में और ऐसे देश जो ज्ञान विज्ञान की खोज में काफी विस्तार रूप ले चुके हैं। अगर हमारे भाव और हमारी भाषा ही हमारी स्वयं की नहीं है तो हमारी प्रगति को बाधित करेगी, हर स्तर पर बाधित करेगी, एक बैरियर हमारे सामने होगा हमारी प्रगति के मार्ग पर। उस बैरियर को तोड़ने के लिए देश के अंदर आजादी के आंदोलन से लेकर के उसके बाद भी आजादी के आंदोलन के बाद भी हिंदी को लेकर के जो एक आह्वान हुआ पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आई सरकार ने देश को जोड़ने के लिए हिंदी को जिस रूप में व्यवहारिक भाषा के रूप में देश के अंदर और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है वह अभिनंदनीय है और मुझे लगता है कि इस दिशा में नए प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। मिलकर के संस्थाओं को आगे बढ़कर के इस अभियान को पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इसका परिणाम है इंजीनियरिंग की पाठ्यक्रम भी अब हिंदी में आपको दिखाई दे रहे होंगे और तेजी के साथ इस दिशा में लोगों के मन में एक भाव है। आज हम लोग देखते दुनिया के राजनयिक आते हैं, अब वे भी जब भारत के अंदर आते हैं तो पहले जब भारत का राजनयिक उनके साथ संवाद बनाता था तो अंग्रेजी या उनकी भाषा को माध्यम बनाना होता था। आज जब वे हमसे संवाद बनाने के लिए आते हैं तो वे स्वयं भी हिंदी को माध्यम बना करके हमसे संवाद बनाना चाहते हैं। यह एक नए भारत का दर्शन हम सबको कराता है।